हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीनियस ट्रिक्स। दोस्तों, क्या आपने भी नया लैपटॉप परचेज किया है या आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज 10 में अपग्रेड कर लिया है? इसी के साथ दोस्तों, अगर आप अब ऑफिस यूज़ कर रहे हैं 2013, 2016 या 2019, तो ज़रूर ही आपको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की ज़रूरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों 2013, 2016 और 2019 में ये फीचर एडेड नहीं है, इसे आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज 10 में, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी फ्री में। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, आपको सबसे पहले माइक गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट डिजाइनर। तो दोस्तों, सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी माइक्रोसॉफ्ट की, उस पर आपको क्लिक करके उस पर जाना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएंगी। दोस्तों, इस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड में दोस्तों दो वर्जन शो होंगे, एक 64 बिट, एक 32 बिट। आपको देख लेना है आपकी विंडोज कौन सी है, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। मेरी विंडोज 64 बिट है, तो मैं 64 बिट को डाउनलोड करके नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपकी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, डाउनलोड लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले से ही 2010 वर्जन जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, लेकिन जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 2013 का है, उसमें भी लगभग सारे सेम ही फीचर्स हैं। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे कि ये मैंने सेटअप रखा हुआ है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। और दोस्तों, इसे कंटिन्यू कर देना है, इसमें कोई की वगैरह नहीं मांगेगा ये, इसे कंटिन्यू करके और आपको इंस्टॉल कर देना है। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, सर्च बार में आप अगर सर्च करके देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर हमारे पास आ चुका है और अब आप इससे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें या शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसी और भी वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।